अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूं और माय उपचार में आपका स्वागत है। पीरियड समय पे ना आने की ये दिक्कत के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। अगर हमारे पीरियड्स समय पे नहीं आते तो हमें सबसे पहले अपनी प्रॉपर पीरियड की साइकिल जाननी ज़रूरी है। नॉर्मल में एक महिला की पीरियड की साइकिल 28 से 32 दिन होती है, मगर अगर हमारी पीरियड साइकिल 21 से 35 दिन के बीच में है तब भी ये हेल्दी है। अगर हमारा पीरियड समय पर नहीं आया है और हमारी शादी हो चुकी है, हमने कोई गर्भ निरोधक उपाय भी प्रयोग नहीं किया है, तब हमें अपना पेशाब का जांच करना चाहिए। और अगर हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे हमारा पीरियड समय पर नहीं आता, हमें इन कारणों के बारे में जानना चाहिए। पीरियड समय पर नहीं आने का एक बहुत बड़ा कारण होता है मानसिक तनाव। अगर हम मानसिक तनाव से गुजरते हैं तो हमारे हार्मोन का इम्बैलेंस होता है और पीरियड समय पर नहीं आता। कई बारी अगर हम बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा लेते हैं कुछ ही महीनों में, जैसे कई बारी हमारा 2 या 3 महीनों में 5 किलो वज़न बढ़ जाता है, या कई बारी ऐसा भी होता है कि हम बहुत जल्दी वज़न घटाते हैं, इन दोनों कारणों की वजह से भी हमारा पीरियड समय पर नहीं आता। कई बारी ऐसा होता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा जिम करती हैं, बहुत एक्सरसाइज करती हैं, या कोई एथलीट होता है जो दौड़ती हैं, उनका भी पीरियड समय पर नहीं आता। अगर आप गर्भ निरोधक गोलियाँ ले रहे हैं तो उसे भी हमारा पीरियड जो है समय पर नहीं आता। पीरियड समय पर ना आने का एक बहुत बड़ा कारण है थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में बहुत सारे योनि, अंडाशय, ये सब का संतुलन बना के रखता है। अगर हमारे थायराइड का हार्मोन जो उसका बैलेंस ख़राब हो जाए तब भी हमारा पीरियड समय पे नहीं आता। एक और प्रॉब्लम होती है जिसे हम PCOD कहते हैं। PCOD में जो अंडाशय होता है उसमें अंडा सही मात्रा में नहीं बनता। इस हार्मोन के असंतुलन के कारण भी हमारा पीरियड समय पे नहीं आता। अगर हमारा पीरियड जो है वो समय पे नहीं आता है तो हमें क्या करना है? ये सारा कुछ हमें चेकअप करवाना है, हमें थायराइड का टेस्ट चेक कराना है, हमें अपने अंदर जो हार्मोन होते हैं जैसे PCOD के बारे में मैंने आपको बताया, हमें उसका भी चेकअप करवाना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी जीवन शैली ऐसे करनी है कि ना हमारा वज़न बहुत जल्दी बढ़े और ना ही अपना वज़न जल्दी घटाना है। इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और एक नियमित आहार लेना है। अगर हम मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो हमें मानसिक तनाव को लड़ने की शक्ति अपने लानी है, क्योंकि अगर मानसिक तनाव सही नहीं होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण पीरियड समय पर नहीं आएगा। अगर हम गर्भ निरोधक गोलियाँ ले रहे हैं और हमारा पीरियड समय पर नहीं आ रहा तो इन दवाइयों का सेवन हमें बंद करना है, और कई बारी 6 महीने लगते हैं इनको बंद करने के बाद हमारा महीना फिर सही से आना शुरू हो जाता है। अगर आपको इस विषय में कोई और जानकारी लेनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर लाभ देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।